मत करो भाई, मत गाइस, इसको हमने जुगाड़ तो किया। देख रहे हो तुम कितना बड़ा बैंड है इसमें। ये देखो, ये बिल्कुल नई पाइप मंगाई है, और ये देखो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और इसका जो कैलिपर है ना, इसमें भी जुगाड़ किया। बात गिनाने में ना बहुत बात है मेरे पास भी गिनाने के लिए। भाई देख, अगर मैं तेरी बाइक चला रहा हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी बाइक की किसकी है? मेरी। कहीं भी कुछ होता है, परसों तू मेरी बाइक चला रहा था, पुलिस वाले के सामने जाके जैसे रुक गया, उसको जब तू ठुकेगा मैं चले जाऊंगा, फिर तुझे पता चलेगा ना क्या हो जाएगा। मैं कब छोड़ के भागा भाई तेरे को? तेरे को कल कितने कॉल की? पहले यार तू वीडियो बांध के हमेशा तेरे को व्लॉग। भाई मजाक। वेल गाइस, लेट्स गो। निकल रहे हैं अभी यहाँ से हम, ये देख लो। एंड तुम्हें पता है कल इसका हमने थोड़ा सा काम करवाया था, एंड आज थोड़ा सा और काम है। बाकी मैं तुम्हें बता दूँ, इसकी जो बाइक के टूटे हुए पार्ट्स है ना, वो अपने आज ऑर्डर कर दिए गए। रिंग में प्रॉब्लम आई होगी, चल उधर देखते हैं। गाइस देखो अभी एक और प्रॉब्लम, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स होते चल रही है। तुम्हें पता है कल इतना ज़्यादा सीन हुआ हमें उधर पे, मतलब स्पॉट पे ना, जब एक्सीडेंट हुआ था तब इतना लग नहीं रहा था कि कुछ हुआ है, तब बस लग रहा था कि ब्रैकेट टूटा और लीवर टूटा है। बट सीन में तुम्हें बताता हूँ आज की क्या क्या टूटा था यार। ना जो मास्टर सिलेंडर रहता है ना, वो डैमेज हुआ है, एंड जो इसका कैलिपर रहता है, ब्रेक का कैलिपर रहता है ना, वो उसमें से ना ऑयल, ब्रेक ऑयल लीक हो रहा है। अब वो आई डोंट नो किस जगह से लीक हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, बट उसमें से उसने पूरा का पूरा ब्रेक ऑयल निकाल दिया। फिर कल हमने इसको ब्रेक ऑयल दोबारा से डलवाया, इसमें नट्स वगैरह हमने चेंज किया, इसका एक नट भी टूटा हुआ था जो कि हमें वहां पे दिखा। एंड गाइस वो बंदे बोल रहे थे कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। भाई हमें पता है ना क्या हुआ है क्या नहीं, हम जब ठीक करवा रहे हैं ना, इतनी सारी चीजें निकल के आ रही। देखो अभी अभी तुम्हारे सामने अभी चल रहे थे, एंड इसका एबीएस वर्क नहीं कर रहा है। देखो एक एक चीज निकल के आ रही है, एक एक चीज निकल के आ रही है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ये गिरा नहीं, और इसका इंजन का कवर वगैरह फटा नहीं, वरना तो बाइक उधरी पे खड़ी हो जाती है, और लोग आगे से चोरे होना शुरू हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम गलत आ रहे, तुम गलत। भाई तुम खुद देखो इतना बड़ा, तुमने वीडियो में गाइस तुमने देखा ना कि ट्रक कितना बड़ा ट्रक था, और वो पूरी लेन मल के, तुम्हें पता है लो ट्रक स्लो चलते हैं, पूरी लेन मल के बैठा हुआ था ट्रक। बट इस बंदे को निकलना था, और वो भी बड़ा मोड़ काट के, उस मोड़ के चक्कर में इसका एबीएस उड़ गया। ये देखो अब इसका एबीएस नहीं चल रहा है। कल हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ किया एग्जॉस्ट वगैरह को, वो देखो अभी भी डेंट उसमें पड़े हुए हैं, ये हम ठीक करवा देंगे। इसके लिए नया एग्जॉस्ट मंगाया, एंड हमने नया ये पूरा मॉड्यूल मंगवाया हुआ है, ये भी आ जाएगा, एंड एबीएस का भी जाके ही पता चलेगा। अभी तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला एबीएस का हमें, और कुछ नहीं। तो गाइस मतलब देखो, अगर मेरे से कभी कुछ होता है ना यार, मतलब कभी भी कुछ होता है यार, तो भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ। एंड हाँ, अगर कभी होगा भी या होता भी है यार, सिंपल सी है, अपनी गलती मान लो यार। अगला बंदा कुछ, मतलब देखो जब कल इतना सारा ड्रामा हुआ ना, ये होता नहीं अगर वो बंदा चुपचाप करके बोलता ना कि हम गलती मानते हैं एंड ये सब हो गया। कसम से बता रहा हूँ इतना ड्रामा होता नहीं। मेरा दिमाग खराब इसलिए हुआ क्योंकि वो बंदा झूठ बोले जा रहा था यार, नॉट इवन, वो बाइक भी नहीं चला रहा था, वो पीछे बैठा हुआ था, और जो बंदा बाइक चला रहा था वो तो खुद बोल रहा था भाई मेरी गलती है, मैं ज्यादा मुड़ गया बाहर पे, बंदा खुद बोल रहा है। और वो उसका दूसरा बंदा, वो पता नहीं किन हवाओं में था, क्या खा के आया था सुबह, कुछ पता नहीं चल रहा था गाइस, इसलिए मेरे को गुस्सा आया गाइस। वरना तो कसम से बता, सक्षम बोल रहा था जा यार रहने दे, जा यार रहने दे। बट जिस हिसाब से वो बात कर रहा था ना, और जिस हिसाब से वो ये कर रहा था ना, फिर बहुत दिमाग खराब हुआ है। बट फिर एट द एंड जाने ही दिया यार, क्या बोले। वो बंदा बोलने लगा मैं मैकेनिक हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, क्या करते हो उसे तुम, बोलो पूरा एग्जॉस्ट डैमेज है, एबीएस पूरा डैमेज हो गया। तो मैं तुम्हें बताऊँ, 35,000 रुपए का तो खर्चा है कम से कम, बता रहा हूँ तुम्हें, कम से कम 30,000 से 35,000 रुपए खर्चा। और बंदे आगे बोलते हैं तुम इंश्योरेंस में डाल दो, यार तुम अपनी गाड़ी को इंश्योरेंस में लगाओगे, 4 महीने तक खड़ी रहेगी तुम्हारी बाइक, मतलब सेंस वाली बात करो यार। तो चलो छोड़ो इन बातों को यार, ऐसी नेगेटिविटी होती रहती है। बस मैं तुम्हें ना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता था यार, ठीक है, तो वो मैंने तुम्हें बताया, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अभी फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से घूमट की, और वहाँ पे अपना काम करते हैं ख़त्म, ठीक है। इसका जो लाइट का इशू है, कल टक्कर हुई है ना, तो उसमें से लाइट वगैरह भी बंद हो गई है, तो लाइट वगैरह का भी इशू है, वो भी जाके उधर पे देखते हैं क्या सीन रहता है। लास्ट जो व्लॉग आपने देखा था ना, वो गाइस ना इसी रोड पे एक्सीडेंट हुआ था बाइक का। अरे अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाइक भी ठीक है, एंड सब कुछ ठीक है यार, मतलब वरना तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता अगर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता तो यार, तुम समझ रहे हो ना, उसके पैर पे आके बच जाती अगर बाइक तो पैर भी टूट सकता था। मैं कल ये सोच रहा था अगर पैर पे आके बच जाती बाइक तो पैर भी टूट सकता था, बिकॉज यार तुम्हें पता ही कितनी फोर्स से बजा होगा, तुम सोचो कितनी फोर्स से बजा होगा कि बंदे का एग्जॉस्ट टूट के एलॉय में चला गया, और एलॉय को पार करके दूसरी साइड से चेन वाले एरिया में चला गया, तुम सोचो क्या ही इंपैक्ट रहा होगा यार। बट फिर भी 20 की स्पीड थी, बट 20 की स्पीड में भी देखो कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है यार। गाइस देखो KTM, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कहां से बजी थी यार, वेट करो।
आइसक्रीम। देखो गाइस ये एग्जॉस्ट हमने इसका ना जुगाड़ करके लगाया हुआ, एंड जो इसकी गाइस फुट ब्रेक वाली असेंबली थी ना, हमें पहले लगा था वो आधी टूटी है, बट वो पूरी टूट गई थी, उसको भी हमने ऑर्डर पे लगा लिया, एंड एग्जॉस्ट को भी हमने ऑर्डर पे लगा लिया। सीधा आते ही ना वाइब चेंज हो जाती है यार, मतलब सिटी के ट्रैफिक में तुम सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब सिटी के ट्रैफिक में तुम चलते हो ना, मतलब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है यार। फिर जब खुले रोड पे आते हो ना तो बाइक भी अच्छे से चलती है, मतलब बाइक में भी कोई दिक्कत नहीं रहती है, ऐसे ऐसे ट्रैफिक में गड़गड़ करती रहती है, और यहाँ देखो बिल्कुल खुले पंछी की तरह उड़ती है यार। Just then. अभी डलवाते हैं फ्यूल गाइस बाइक में, कल भी डलवाया था, आज फिर से डलवाना पड़ेगा यार। फिर हमने डलवाया 200 का फ्यूल। 15 minutes later. Well guys, finally सिद्धरा पहुंच चुके हैं। तुम देख रहे हो मेरे पीछे कौन सी गाड़ी गाइस, टोयोटा की हाइलक्स गाइस, कितनी खतरनाक गाड़ी है यार, ये देख सकते हो तुम। मतलब ना ये फ्रेम में ही नहीं आती, अभी हम कुछ रील्स वगैरह बनाने गए थे, ये फ्रेम में ही नहीं आ रही थी यार। ये चेक करो कितनी ज्यादा सेक्सी गाड़ी है। बाकी यार देखो अभी फिलहाल हम यहाँ पे पहुंचे, हम दो की बाइक से यहाँ लगी, देखो इसमें तुम्हें डैमेज दिखाता हूँ भाई। हमने कल ठीक रहा है, बाकी पार्ट्स ऑर्डर पे कब आएंगे बाबा? एक महीना बोला यार, महीना बोला, तुझे पता ही है। हाँ KTM का तो मेरे को तो पता ही है। ये देखो गाइस इसको हमने जुगाड़ तो किया, देख रहे हो तुम कितना बड़ा बैंड है इसमें, ये देखो ये बिल्कुल नई पाइप मंगाई है, और ये देखो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा जुगाड़ कर दिया है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और इसका जो कैलिपर है ना इसमें भी जुगाड़ किया। तुम सोचो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, और फिर आगे बंदे जब चढ़ के आए तो फिर भाई गुस्सा तो आता है, समझे आप। बाकी JP अभी तक नहीं आया यार, JP का भी वेट कर रहे हैं, आने देना भाई, क्या हो गया JP रोज आता है। तुझे पता ही यार कल क्या भाग गया था वो, उसको क्या भागा कहाँ था भाई, भाई कल जब ठूका तब तो आया नहीं, उसके बाद भी आया, उसके बाद भी बोलता मैं जा रहा हूँ भाई, ये नहीं कि अगले की मजबूरी है भाई, बैठ साथ में। फिर छोड़ा क्या हो जाएगा, तो क्या ही हो जाएगा। हाँ जब तू ठूकेगा मैं चले जाऊँगा, फिर तुझे पता चलेगा ना क्या हो जाएगा। वो बात अलग, चल वेट करते हैं उसका, आंधे छोड़ यार, फिर भी साथ में ब्लॉग बनाते अच्छे नहीं लगता। मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, बट चलो अभी फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। भाई कसम से तेरी इतनी लंबी उम्र है ना, मैं तुझे क्या बताऊँ, तेरी बड़ी लंबी उम्र है साले। अभी तेरी बात हो रही थी, अभी मैं उसको बोल रहा था JP कहाँ, JP नहीं आया। मैं तुझे एक बात बोलूँ भाई, ये बोल रहा है JP को मत बुला, वो कल मेरे को छोड़ के भाग गया। कब भागा छोड़ के? बोलता कल एक्सीडेंट हुआ, छोड़ के भाग गया। मैं कब छोड़ के भागा भाई तेरे को? तेरे को कल कितने कॉल की? पहले यार तू वीडियो बांध कर, हमेशा तेरे को व्लॉग भाई मजाक हम बना रहे हैं। अरे मौजू कर रहा हूँ ना तुम लड़ाई नहीं करना, बस लड़ाई नहीं करना भाई। नहीं तो भाई बंदा आता तो है ना, ये भाई आया पता कब, जब हमारा पूरा सॉर्ट आउट हो गया सारा, तू घर से निकल गया ब्लॉग बनाने के लिए, तूने तब मेरे को कॉल नहीं किया। अरे क्या हो गया फिर भाई, घर से निकल के तुमने मुझे कॉल नहीं किया, ब्लॉग बना भाई अब पहुंच के जाके ठुक गए तब तुम मुझे कॉल कर रहे हो यार। अब तुझे पता है छोड़ के मैं आया तेरे पास, तो JP कॉल चला गया, वापस चला गया ना। तो भाई जब तेरे को पता, मैंने तेरे को वहां से वहां तक आया जहां पे एक्सीडेंट हुआ, वहां से तेरे को शॉप पे लेके गया जहां पे तूने बाइक रिपेयर करवानी थी, वहां तेरे को छोड़ के लड़ो, तुम लड़ो लड़ो, वहां तेरे को छोड़ के चला गया ना, तो भाई तेरे को बोल के गया भाई, तू इसने कब बोला, ये सीधा बोलता हूँ भाई, मैं आया दो मिनट में, तुम बाइक काम। मेरे को तो पता नहीं था यार कब गया कौन गया, मेरे को नहीं पता था कुछ। बाइक वॉश करने गया, हाँ वहाँ पे खड़ा हुआ, मैं कहा चल ठीक है पहुंच गया, यहाँ पे सारा काम हो गया, मैंने जाना था वैष्णो माता। तो इस बात पे क्या लड़ोगे तुम? क्या बोल रहा है यार, छोड़ो गिनाने की बात, मैं गिना रहा हूँ बातें, मेरे को बता बातें गिनाने में ना बहुत बातें मेरे पास भी गिनाने के लिए। कौन सी बात भाई, देख अगर मैं तेरी बाइक चला रहा हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी बाइक की किसकी है, मेरी। हाँ। कहीं भी कुछ होता है, परसों तू मेरी बाइक चला रहा था, पुलिस वाले के सामने जाके जैसे रुक गया, उसके बाद तू वहाँ पे तो भाई मुझे नहीं पता, इसने पकड़ोगी नंबर प्लेट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर प्लेट नहीं थी, वो अलग रीजन था, पकड़ोगी बाइक ठीक है, वो कम से कम वहाँ रुक तो सही, तू वहाँ से चला गया, वहाँ रुका ही हुआ था आगे जाके, और कहाँ रुका हुआ था भाई, देख मैं ना बातें गिनाना नहीं चाहता, अगर तेरी मेंटालिटी मुझे पता, तूने नहीं बोला था आगे जाके रुक, यहाँ बोला तो था मैंने यार, हेलमेट पहने हुए थे ना वहाँ पे, चलो छोड़ कैमरा बंद करना, छोड़ मैंने तो क्या बोला, भाई तुम लड़ोगे कैमरा ऑन रखूंगा मैं यार, तू बताना तू बोल रहा एक्शन में भाग के, मैं कब भागा, तू भागा नहीं, मैं बोल रहा तू आया क्यों नहीं भाई, जब तू फोन, अच्छा छोड़ो करो खत्म भाई, मैं ऐसे वीडियो डालूंगा पूरी, मैं पूरी वीडियो डालूंगा, गांधीनगर से दिमाग थी आने में 15 मिनट तो लगेंगे, कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे आने में, छोड़ यार छोड़, 24 घंटे दिमाग खराब होता है भाई, तू कर रहा है बातें यार, चुप कर रहा है, गिनाने वाली बातें मैं नहीं, मैंने नहीं आती गिनाने वाली बातें, को बोला मैंने, उसको बोला ना, तो क्यों बोल रहा है तू, क्यों बोल रहा है, चुप करवा मेरा, अब क्यों बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ चुप, क्यों बोल रहा है यार, इसको चुप कर रहा है यार, मैं आपके दिमाग खराब कर रहा है यार मेरा, छोड़ अब छोड़ कर खत्म, मेरी दोस्ती नहीं भाई, बातें गिनाओ मत, बोलता हूं खत्म करना, इसको बोल चुप कर यार मेरा, तो उसको क्यों बोल रहा है, मेरा दिमाग ना बुझे, उसको क्यों बोल रहा है, गलत है मैं तभी बोल रहा हूं, मत करो भाई, ओ फक, अब बात याद रखियो ठीक है, ये क्या किया बोल रहा हूं यार, तब से नहीं कर, नहीं कर, आगे शक्ल में दिखा दूंगा ठीक है, निकल बंद करते, मैं राव मजाक चल रहा है यहाँ पे, छोड़ना छोड़ना JP छोड़ना।
फुदू यहाँ पे मत कर मत कर फुदू में मत कर मत कर गिरेगा क्या किया सक्षम तुमने अबे तेरे को बोल रहा हूँ तू अभी भी कैमरा पे तेरे को मजाक कर रहा था भाई मुझे लगा मजाक कर रहे हो तभी कैमरा ऑन था शिट यार शिट चला गया यार क्या चक्कर है सच्चे में यार मैं मजाक यार तू बंद कर इसको यार तेरा 24 ओ इसका क्या यार तेरे को बोल रहे कैमरे में तू व्लॉग बना रहा पूरा साले मुझे लगा मजाक कर रहे हो मुझे लगा मजाक कर रहे हो तभी बना रहा था भाई मुझे लगा मजाक कर रहे होगे तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो उसके मुंह पे मार गया तू कॉफी यार पूरी बोल रहा हूं मेरा दिमाग खराब आ गई बाइक टूटी भाई नुकसान आ गई दिमाग खराब है क्या बोलूं भाई वो चला गया बाइक टूटी थी तब पता चलता भाई वो चला गया ना अब यार तू रुका मत इधर रोक रहा था ना मैं भी मैं बोल रहा था चुप कर दो मिनट चुप कर क्या बोलूं यार तेरा भाई अब क्या बोलूं मैं क्या गिनाया तूने पूरे उसके आंखों में डाल दी यार पूरी तो बाबा मैं क्या करूं मैं बोल रहा था तब से उसको नहीं कर नहीं कर नहीं कर और बंद कर तेरा भी फोन तोड़ूंगा मैं